नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर की सदर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को चोरी की 8 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। बता दें कि बरामद हुई सभी बाइकें फतेहपुर की ही हैं। पुलिस की माने तो ये सभी नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेच देते थे और कागज बाद में देने की बात करते थे। लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने सघन बाइक चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया, जिससे कड़ी के तार जुड़ते चले गए। और जब पूरा मामला उजागर हुआ तो एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने फिलहाल सभी शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहपुर नगर क्षेत्र में विगत दिनों कई वाहन चोरी हुए गए, जो कि मेन कोतवाली कचहरी से चोरी गए। कुछ कोतवाली के नगर क्षेत्र जहां पर मेन हमारी सिटी रहती है, जहां पर ट्रांजैक्शन होता है, वहां से भी वाहन चोरी गए थे। तो इस संबंध में मैंने एक ड्राइव चलाया था कोतवाली और उसके सारे चौकी इंचार्जों के द्वारा कि ऐसे वाहन चोरों को अरेस्ट किया जाए। इसी क्रम में आज 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 तो शातिर वाहन चोर हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी अभियोग पंजीकृत हैं चोरी के। ये महत्वपूर्ण है, उपलब्धि है, क्योंकि कचहरी के अंदर से वाहन चोरी किए गई गाड़ियाँ ये हमारे लिए चिंता का विषय था और वो गाड़ियाँ सारी बरामद की गई हैं। इनमें कुल 8 लोगों में 2 तो मेन मास्टरमाइंड है, जो उमा शंकर है और विपिन है। 2 लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ियों के बिकवाते थे, ये अविनाश और दुर्गेश, और बाकी जो और पकड़े गए हैं उनके पास से गाड़ी बरामद हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग का जो है खुलासा हुआ है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।